नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम और खौफ इस कदर ग्रामीणों के मन में घर कर चुका है जिसकी एक बानगी गुमला जिले में देखने को मिली। जिले के चैनपुर अनुमंडल अंतर्गत डुमरी प्रखंड में वैक्सीन लगाने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर लोग डर कर घर में छुप गए। काफी समझा बुझाकर स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को घर से बाहर निकाला, तो वहीं डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाकर 100% टीकाकरण के लिए जहां हर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं टीकाकरण से परहेज करने वालों से प्रशासन सख्ती से पेश आ रही है। कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसा नहीं सुनने वाला? अरे ऐसा ही मामला गुमला जिले के चैनपुर अनुमंडल अंतर्गत डुमरी प्रखंड में टीकाकरण की रफ्तार को गति देने के लिए चैनपुर एसडीओ सह डुमरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीति कुसु ने खुद कमर कस ली है। प्रखंड में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर पूरी ताकत झोंक चुकी एसडीओ वैक्सीनेशन के लिए अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के 81 पंचायत नौगाई पुतरुगी सहित पूरे प्रखंड के गांव-गांव घर-घर घूमकर वैक्सीनेशन के कार्य को अंजाम दिला रही है। हालांकि अशिक्षा के वजह से वैक्सीन लेने से साफ इनकार करने वाले भी उसका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे में समझा बुझा कर वैक्सीन दिलाया जा रहा है, जो नहीं समझ रहे हैं उसे जबरदस्ती वैक्सीन दिया जा रहा है। इस दौरान एसडीओ की मौजूदगी में टीकाकरण दल को एक बुजुर्ग व्यक्ति को टीका लगाने में काफी फजीहतों का सामना करना पड़ा। टीकाकरण के दौरान घर पहुंची टीम को उस बुजुर्ग ने अपनी बीमारी का हवाला देकर टीका लेने से मना कर दिया। काफी मशक्कत के बाद भी बुजुर्ग के नहीं मानने पर जबरदस्ती धर पकड़ कर उसे वैक्सीन दिया गया। सरकार है कि बाहर कीजिए, बैठाइए उनको। रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। उसको पकड़े रहो बस, हम लोग लेके तू साहब घूम रही थी। रिएक्शन अरे भैया, कुछ नहीं है, किसी तरह कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, ताकत वाला है जो